भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिट गए जब मिटने वाले तो सलाम आया, दिल जब दिल बर्बाद हो गया तो उनका पैगाम आया। और अतुल सर जी, पांडे सर जी ने बहुत कहानी बता दिया, और आगे थोड़ा सा हम हट के बताएंगे कि ये कहानी है कि गए संघ के विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक पत्रिका चला रहे थे, हिंदी मतलब साप्ताहिक पत्रिका थी और संपादक थे उसके। तो उन्हें चूंकि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी थी, ये बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, और उसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद के माता पिता भी भुखमरी की कगार पर पहुँच गए थे। तो कोई चतुर्वेदी जी थे तो उनसे 200 रुपया क्या नाम है उनका विद्यार्थी जी ने भेजा था कि जाओ अपने माता पिताजी के लिए तो कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। तो चंद्रशेखर जी के हाथ में जैसे पैसे आए तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हमारे देश की लाखों माएँ भूखे रोज सो रही हैं, तो हम एक माँ के लिए कैसे 200 रुपये खर्च कर दें। तो कहने की बात हमारा यह है कि क्या उस समय यह नारा था कि लोग विचार था कि अंग्रेज हमारे पैसों को लूट के विदेश ले जा रहे हैं और हम कंगाल होते जा रहे हैं, क्या हमारे उस समय सोच नहीं थी कि हमारे जो देश के जो नवाब थे या जमींदार थे कुछ उनको आर्थिक मदद करते। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई चुनाव आता है तो कोई धनाढ्य आदमी होता है उनको लाखों करोड़ों रुपयों की जो है नुछार नजराना पेश कर देता है, लेकिन आज के वक्त में किसी जरूरतमंद को पैसा देना है, कुछ देश विहित में लगाना है तो उनके पास पैसे नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो कोई जो है आज़ादी चाहती नहीं थे, मतलब कि उनको आज़ादी मुफ्त में मिल गई, बस कुछ लोगों ने जान दे करके उन बस ऐसे देश में आज़ाद हो गया, बस सब संतुष्ट लोग थे। बस देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग संतुष्ट लोग थे, बस कुछ लोग जो भी असंतुष्ट थे समझदार थे शक्तिशाली भी थे, वही लड़े मरे अपना जो है अपना स्थान उन्होंने मुकम्मल किया यहाँ पे, और इसलिए हम उनको नमन भी करते हैं और नमन करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। और इसी साथ अपना कहना